इस गांव का नाम क्या है? श्रीपुर। श्रीपुर गांधीग्राम। हाय गाइस, तो अभी मैं हूँ आसाम में। ये जगह का नाम है काटाकल और मैं एकदम बराक नदी के पास में हूँ। दिखाता हूँ, ये देखो मेरे पीछे में बराक नदी, लोग फिशिंग कर रहे हैं वहाँ पे नाव से। तो वहाँ पे जाएंगे और देखेंगे कैसे कितना फिश जो पकड़ता है। ये जगह, ये जो नदी है ना, ये नदी से और ये जगह से सबसे ज़्यादा मछली पकड़ता है लोग। ये नदी तो, बराक नदी तो बहुत फेमस है। फ्लड, जब फ्लड होता है ना तो ये जर सारा जो जगह दिख रहे हो ना पीछे में, सब बढ़ जाता है। ये घर भर ही सब पानी के नीचे चला जाता है फ्लडिंग के टाइम। अभी थोड़ा गर्मी है। उस पर जाने में कितना पैसा लगता है? 5 रुपया। ये हो गए बराक नदी और इधर में हमेशा मछली पकड़ता है। अकेला ही जाता है, एक आदमी होने से भी चला जाता है 5 रुपया से। क्यों? बहुत मेहनत लगता है ना। उस पर गांव है ना। आपका घर किधर है? उस साइड में। अच्छा, अभी पानी कितना होगा? इधर ही। बिस्कुट से अंदर होगा, नहीं गिरेगा ना। बाजार में जाएगा? अच्छा अच्छा। बाजार जाने वाला आदमी फोटो खींच रहा है तो क्यों? हम सबका ही फोटो खींच रहे हैं। तुम्हारा भी खींच रहे हैं? मेरा भी खींच रहा है। मेरे को अच्छे लगते हैं। हाँ, सबको ही अच्छा लगता है। पसंद कर लिया मेरे को। ये बुड्ढा के पास जो छोटा बच्चा है ना, इसको उधर देख रहे हैं। इधर देखो, लेकिन गिर जाएगा। अच्छी तरह से जाओ। ए, नीचे देख रहे हैं। इधर जा। तुम्हारा फोटो खींच रहा है ना, तुम देखो, इधर देखो। अभी तो जुगाड़ बनाना पड़ेगा। कोई भी एक नाव जो मछली पकड़ रहा है ना नाव से, उसको मनाना पड़ेगा। फिर दिखाएंगे आप लोगों को कैसे मछली पकड़ते हैं। यहाँ का लोग अच्छा ही लग रहा है। कटाकल बारिश के टाइम में तो ये पानी से गिर मींस भरा हुआ रहता है ना। अभी तो सूखा हुआ है लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा पानी है। यहाँ पे आने के बाद थोड़ा थोड़ा बांग्लादेशी फील हो रहा है। आसपास के लोग जो होते हैं ना, बांग्लादेश जैसे लग रहा है। यहाँ का लोग भी सिलेटी डिस्ट्रिक्ट के पास ही है ना, आई मीन इधर से करीमगंज, और करीमगंज तो सिलेटी डिस्ट्रिक्ट के पास में है, बांग्लादेश के सिलेटी डिस्ट्रिक्ट के पास, तो इसलिए ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा है, तो इसलिए इन लोगों का जो कल्चर है सिलेटी डिस्ट्रिक्ट के कल्चर से बहुत मैच करता है। तो यहाँ के आने के बाद भी
ऐसे ही फील होता है, बांग्लादेश जैसा फील होता है। बहुत गर्मी है। मछली पकड़ रही हो? हमको ले जाओगे नाव में? हाँ मैं आऊँ। तो जो रेल जा रहा है उधर से, अभी तो जाल फेंक रहा है, फेंक के फिर चला जाएगा। ये जो लाठी दिखाई दे रहा है ना, इसके साथ बांध दिया है उस जाल के जो एक साइड, और दूसरा साइड उस तरफ ले जाएगा, फिर उधर पे बांध देगा, और जितना भी मछली आएगा उसमें अटक जाएगा। देखो फेंक रहा है, ऐसे ही फेंकते हुए वो जाएगा। 2-3 बजे से शुरू होगा मछली पकड़ना। ये देखो नदी के जो पार बोलता है ना, उसमें ये सरा है, वहाँ सब्जी देखो इतना दूर दूर तक सब्जी। फिर उस जगह में गांव है, गांव में थोड़ा दे जाएंगे घूमेंगे। फोटो बनाए बिन बते फोटो भाई करबो। देखो देखो देख इधर तुम डाल। इस गांव का नाम क्या है? श्रीपुर। श्रीपुर गांधीग्राम। तो बहुत है ना। क्या इसके अक्सर भी सगले बस सीधी दो मेनुआ को कौन वाले गाने फाड़ दो। चलो माय बिल खले हम होला गुली है, गुली गुली उसके अंदर नहीं है। अभी हम लोग नहाने जाएंगे, बराक नदी में नहाएंगे। देखो हमारे साथ सब ना आएगा, एक ये सब ये नहीं ना आएगा ना, ना छोटा बच्चा है, गहरा है पानी ना, छोटा बच्चा है। अच्छा छोटा बच्चा है, बेटा खूब सुंदर चले है लेकिन देखो देखो लेकिन इस लड़का का अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। भी तो दूल है, दूल गरम बाबरी हाँ, तो सैंडल नहीं है नहाने के बाद फिर दिखेंगे जो लोग मछली पकड़ रहे हैं, मछली भी दिखेंगे। यहाँ आने के बाद तो मजा लग रहा है। अभी रेत पे हूँ, अब बच्चे लोग बोल रहे हैं नहाएगा अभी। हाय 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 नाव चला सकता है ना कोई? कर सकता है, उठेगा नाव में। ये सामना किक मारता है। देखो 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 अरे अरे बहुत अच्छा है। हमारा जो सामान है वो नाव में रखेंगे, उसके बाद नहाएंगे। क्या हो गया?
बेटा चाहिए तो ना तो ना कौन कौन दिया ये चले ये गद्दा है कैमरा बिकेगा अभी नहाएंगे सबके साथ एक साथ बरक नदी है ये बोले बरक नदी में अभी नहाएंगे अभी नहाएंगे बरक नदी में जाओ 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 उधर जाओ दे दो ना क्यों तुम छोटा है नहीं माता हाँ माता माता इधर माता ठीक है आईबो ना इधर इकने आईबो ना हाँ आई भी ना वो इकने आई ना ले वो इकने थाक मजा लग रहा है थैंक यू क्या नाम है शामिल शामिल तुम्हारा सलेह अहमद क्या नाम है शाकिब खान है शाकिब खान खान शाकिब बांग्लादेश का हीरो है अच्छा और एमडी शाहीन एमडी शाहीन अच्छा तुम्हारा इमरान खान अच्छा जयबुल अब्दुल मन्नान अब्दुल मन्नान अबू शाहीद हुसैन अहमद हुसैन अहमद अहमद ओके एक साथ ना आ रहा हो ना ठीक है अलग है उधर पानी ज्यादा है उस साइड में पानी ज्यादा है ना ज्यादा पानी है मछली पकड़ेगा ना मछली पकड़ेगा नहा लिया सब एक साथ नहा लिया तो अभी जाने का टाइम है सबको छोड़ के टाटा बाय बाय ठीक है अच्छा लगा सबके साथ एक साथ नहाया और बराक नदी में आके नहाया बहुत मज़ा हुआ ना मज़ा हुआ तो अभी चलेंगे फिर नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे हाँ नहाए आने के टाइम बच्चे लोग कितने खुश था उन लोगों के जो स्माइलिंग जो ज़्यादा ज़्यादा बात कर रहा था कैसे कैसे रिएक्ट कर रहा था रेस्पॉन्स कर रहा था लेकिन आने के टाइम देखो सब चुप हो गया और मायूस हो गया और मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था और ये सबसे बेस्ट मेमोरी है मेरे लिए बेस्ट मोमेंट है मेरे जैसा ऐसा तुम लोग मत करना हाँ एक अनजान जगह में आके ऐसे बच्चों के साथ नहाना मत हाँ क्योंकि पता नहीं है ना यहाँ का लोग कैसा है तो तुम लोगों को कुछ भी बोल सकता है कहीं भी जैसे नए जगह पे जाओ तो ऐसा मत करना मैंने तो यहाँ से लोगों से परमिशन लिया था और उन लोगों को बोला तो बच्चे भी अपनी गार्जियन से परमिशन लिया फिर हमारे साथ नहाने के लिए गया था और पानी की गहराई में बच्चे लोग तो नहीं गया सामने से ही नहाया तो वो सेफ है तो ऐसा ही है
कभी इमोशनल मत हो जाना, क्योंकि इतना सारा बच्चे एक साथ देखने से हम लोग इमोशनल हो जाते हैं और खुद भी बच्चे बन जाते हैं। लेकिन ऐसा मत करना, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके तुम पहले वो जगह का सिचुएशन समझो, फिर जो करना है करो, लेकिन सेफ्टी भी ज़रूरी है ना। नहीं आया